भारत सरकार और राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के अनुपालन में जनपद चमोली में कोविड-19 से बचाव नियंत्रण एवं तैयारियों हेतु जिला चिकित्सालय, उप जिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में मॉक ड्रिल का सफल आयोजन किया गया। इस दौरान ACMO डॉक्टर MS खाती ने बताया कि मॉक ड्रिल के दौरान ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, औषधि और अन्य उपकरण को सफल परीक्षण किया गया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के नए वेरिएंट में कुछ देशों में बढ़ते प्रभाव के दृष्टिगत सीमांत जनपद चमोली में समयबद्ध तैयारी की जा रही है। हालांकि वर्तमान तक इस नए वेरिएंट को लेकर भारत वर्ष में किसी भी प्रकार के खतरे की आशंका नहीं जताई गई है। चमोली से संदीप की रिपोर्ट। वर्तमान में हम लोग तो जो भी हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं, जैसे ऑक्सीजन प्लांट हमारा कार्य कर रहा है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स पर्याप्त मात्रा में हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हैं, और जो भी दवाइयाँ वगैरह इससे रिलेटेड चाहिए, आवश्यकता होती है, वो सभी अभी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। और हमें स्टेट से भी गाइडलाइन मिला है कि अभी आपको किसी भी तरह की कोई ज़रूरत हो तो आप लोग इसकी मांग कर सकते हैं। तो इसके तहत जो भी नई SOP आई, इसके तहत तो मास्क पहनना अनिवार्य है, और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स जो भी है, मास्क पहनना, 2 गज की दूरी और हाथों को साफ करके धोना, इस तरह से जो भी अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स है उसका पालन करना जरूरी है। और हमने अपने सभी स्वास्थ्य इकाइयों को अलर्ट मोड पर रख दिया है।